जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। आज का वीडियो आपका सूफी काव्यधारा से संबंधित है। दोस्तों आपने सूफी काव्यधारा बहुत पढ़ा है, लेकिन आज का वीडियो आपको एक एक पॉइंट, एक एक रचना, एक एक सन याद करवाने वाला है। आपके नेट एग्जाम में, पीजीटी एग्जाम में क्रमबद्ध पूछा जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं को क्रमबद्ध कीजिए, है ना? आपसे नहीं बनता, लेकिन आज की एक ऐसी फनी ट्रिक बता रहे हैं कि दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी हमारे साथी न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक इतना करना है कि जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर ये जो वीडियो है बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। ठीक है, और जो भी साथी हिंदी साहित्य के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो हिंदी साहित्य के ग्रुप से जुड़ जाएं। आपको क्या करना है, मैं नंबर यहां पर लिख दे रहा हूं 9098609291। इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, तो आपको ग्रुप से जरूर जुड़ना है। दोस्तों सबसे पहले आता है कि हंसावली। हंसावली आपको पता है असाहित्य की रचना है, लेकिन इसका सन नहीं आपको पता होता। तो दोस्तों इसका सन क्या है, 1370। क्या है? 1370। अब इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? आपने देखा होगा दोस्तों, मोदी जी या फिर जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। आप लोगों ने हंस हंस के निकाल दिए 70 साल, अब 5 साल तो मुझे दीजिए। कहते ना 70 साल वाले हंस हंस के निकाल दिए, अब थोड़ा सा काम हो जाने दो। तो हंस हंस के निकाले हैं, तो हंसावली रचना का जो रचना काल होगा वो क्या होगा, 1370। ठीक है, 1370। अब याद रख लेना, 70 साल हंस हंस के निकाल दिए, अब कुछ काम हो जाने दो, है ना। अब चंदायन, ये रचना किसकी है, मुल्ला दाऊद की है, है ना। पहले भी हम इसको याद करवा चुके हैं, और ये इसका रचना क्या काल क्या है, 1379। अब इसको कैसे याद रखोगे 1379? दोस्तों एक चीज बताना कि चंदायन से क्या बनेगा, चांद का मुखड़ा, है ना। और सभी लोग अपने अपने चांद का जो मुखड़ा है वो कितने बार देखना है, 79 बार देखना है। अब जाके घर में जाके वीडियो देख के उसके बाद अपने अपने चांद के मुखड़े को 79 बार देखना। सभी लोग बोले सर ने बोला था, नियम दिया था कि 79 बार देखना है। ठीक है, तो 79 बार सभी लोग देखेंगे। तो चंदायन जो रचना है क्या हो जाएगा इसका रचना काल, 1379। ठीक है, 79 बार देखना, तो 79। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सत्यवती कथा। सत्यवती कथा सभी लोगों को पता है कि ईश्वर की जो कथा होती है वो कैसी होती है, सत्य होती है। तो सत्यवती कथा की रचना काल कौन होंगे, ईश्वरदास। ठीक है, अब दोस्तों सभी लोग बता देना, आपने देखा होगा कि सबका मालिक एक, यानी कि ईश्वर क्या है, एक है, ईश्वर एक है। तो जो सत्यवती कथा रचना होगी ईश्वरदास की, उसका रचना काल क्या होगा, 1501 हो जाएगा। ठीक है, अब याद रख लेना, बोले ईश्वर तो एक है, तो 1501। अब दोस्तों चौथी रचना आपसे पूछी जाती है कि मृगावती का रचना काल क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि मृगावती के जो आपके लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कौन है, कुतुबन है, कुतुबन। ठीक है, और यहां पर आया दोस्तों वन, और वन में आपने देखा होगा रामायण देखी होगी, आपने रामायण देखी, वन में क्या दौड़ रहा था, सोने का मृग दौड़ रहा था, सोने का मृग दौड़ रहा था, कहां पर, वन में। और दोस्तों एक मृग नहीं, कितने मृग दौड़ रहे थे, 3 मृग। अब याद रख लेना कितने, 3। आपको तो एक दिखे थे लेकिन 3 दौड़ रहे थे, अच्छे से देखना रामायण। ठीक है, क्योंकि उस वन में कितने मृग थे, 3 थे। तो मृगावती रचना किसकी होगी, कुतुबन की होगी, क्योंकि वन में मृग था। अब वन में कितने मृग थे, तो 3 मृग थे, कितने, 3। तो मृगावती रचना हो जाएगी 1503 की। ठीक है, याद रखेंगे। माधवा नल काम कंदला, इसके रचनाकार कौन है, गणपति हैं। रचना काल क्या है, तो दोस्तों एक चीज बताना, माधवा नल काम की जब बात आती है, क्या आती है, काम, और हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो हम बोलते हैं कि श्री गणेश करो, क्या करो, श्री गणेश करो। तो माधवा नल काम कंदला, काम की शुरुआत करते तो श्री गणेश, तो ये किसकी होगी, गणपति की होगी। अब याद रख लेना, ये गणपति की भी है, आलम की भी है, और कुशल लाभ की भी है, 3 लोगों की रचना है माधवा नल काम कंदला। लेकिन जो गणपति की है वो
क्या है, 1927 की है। 27 याद रख लेना, क्योंकि 27 साल तक गणपति की कृपा से बालक को बोला जाता है कि अब पढ़ाई करो। कब तक? 27 साल तक। उसके बाद बेटा अब काम में लगना है। क्या करना है? काम। तो माधवानल कामकंदला जो गणपति कृत है ये 1527 याद रखना, ठीक है। चौथी आपसे पूछी जाती दोस्तों पद्मावत। तो पद्मावत किसकी है? जायसी की, और ये 1540 की है। अब इसको कैसे याद रखोगे दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि जो पद्मावत है ये पद्मावत हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य माना जाता है ना। और इसके जो रचनाकार कौन है? जायसी हैं, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी साहब हैं। और इसका रचना काल है 1540। पद्मा से, पदम से क्या होता है दोस्तों? पदम, पदम मतलब पैर, और पैर से जायसी कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। कितने? 40। तो पद्मावत का जो रचना काल होगा वो कितना होगा? 1540, ठीक है, क्योंकि 40 किलोमीटर जायसी, कैसे? गाड़ी से नहीं, पदम यानी पैर से, ठीक है, हो गया। रूपमंजरी बताना दोस्तों। रूपमंजरी मैंने आपको कई बार याद करवाया, रूपमंजरी ये नंददास की रचना है ना, और 1568 की है। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? भूल जाते, बोले सर मैं तो भूल गया। ठीक है, अब नहीं भूलोगे। एक बार क्या हुआ, एक बहू की क्या थी, नंद, नंद थी, और नंद भी अड़ गई। काय के लिए अड़ गई? रूप के लिए। बोले हमें भी अच्छा रूप चाहिए, सुंदर रूप। काय के लिए अड़ गई नंद? रूप के लिए अड़ गई। तो रूप मंजरी जो रचना है वो नंददास की हो जाएगी, और अड़ गई तो 1568, ठीक है, तो 1568 इसका रचना काल हो जाएगा। अब मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कि रूपमंजरी का रचना काल क्या है, बोले सर रूप के लिए नंद अड़ गई तो 68, अब सीधा सा तो है, इसमें क्या याद करना, ठीक है। बाद में आपका टेस्ट भी होने वाला है ना, आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न, इसलिए मैं पहले आपको ट्रिक से बता रहा हूं, और बाद में टेस्ट करवाऊंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताना दोस्तों छिताई वार्ता। अब छिताई वार्ता आपको पता है कि छिताई से आया ताई, और ताई उसे कहा जाता है दोस्तों। अब एक बात बताना कि किसी 15 साल की लड़की को आप ताई बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना। आप 90 साल की जो क्या होगी औरत होगी उसे आप ताई बोलोगे, बोले ताई है मेरी। तो छिताई वार्ता का रचना काल क्या होगा? 1590, क्योंकि 90 साल की औरत को हम ताई बोलेंगे। और आपको पता है दोस्तों कि जो ताई होती है वो कथा सुनाती, बोले बेटा नारायण की कथा सुनो। काई की कथा सुनो? नारायण जी की। तो नारायण दास की ये रचना हो जाएगी। कौन सी? छिताई वार्ता। ताई आया है तो ताई 90 साल की हैं, और ताई नारायण दास की कथा सुना रही हैं, ठीक है, तो नारायण दास। चित्रावली देखो दोस्तों, चित्रावली सभी को पता है उस्मान की रचना है, लेकिन इसका रचना काल आपको पता होनी चाहिए। तो हम बोलते ना, जब हम चित्र बनाते हैं तो हम बोलते यार तेरा चित्र बहुत अच्छा बना है, तेरा चित्र बहुत अच्छा बना। तो चित्रावली का रचना काल क्या होगा? 1613। अब 13 चित्र बना है तो 1613, ऐसे याद रखना। रस रत्न, रस रत्न इसके रचनाकार कौन है? पोहकर हैं, पोहकर कवि, याद रख लेना। और इसका रचना काल क्या है? 1618। दोस्तों आप रस लेने जाते हो, निब्बू का रस लेने जाते हो, और रत्न लेकिन लेने जाते हो, रस भी लेने गए और रत्न लेने गए, बोले कितने में आया? बोले रस आया 16 में और रतन आए 18 में, तो दोनों को मिला दो 1618। अब रस रत्न का रचना काल क्या होगा? 1618, है ना। मैंने आपको भेजा यार बहुत सारी क्लास हो गई, अब थोड़ा सा कुछ रस अस का हो जाए, आप लेने गए, बोले सर कितना का है? रस आया 16 का और 18 की रतन आए, तो 1618 रस रत्न, ठीक है, याद हो गया ना। अब दूसरा बताना ज्ञानदीप। ज्ञानदीप के जो रचनाकार हैं वो शेख नबी हैं, है ना, सभी को पता है, मैंने आपको याद करवाया था, नबी से हो जाएगा नया, हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नबी नबी ज्ञान प्राप्त करते, नया नया ज्ञान प्राप्त करते, तो ज्ञानदीप के शेख नबी, ठीक है। और 1619। अब एक चीज बताना दोस्तों कि जो 16 साल से 19 साल की उम्र रहती है एक बालक की, किशोरावस्था की रहती है, और किशोरावस्था में अगर आपने उसको अच्छा ज्ञान नहीं दिया तो वो गलत रास्तों में चला जाता है, इसलिए 16 से 19 साल के बालक को ज्ञान देना है। क्या देना है? ज्ञान। तो ज्ञानदीप का रचना काल क्या होगा? 1619। बोले 16 से 19 बोला था सर ने, तो 1619, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर तीसरा पूछा जाता है दोस्तों हंस जवाहर, ये किसकी रचना है? तो अब आपको याद रख लेना है, मैंने जवाहर लिए कुछ, बहुत सारे जवाहर लिए और मैंने रख दिए,
और मैं कहीं गया और वापस आया और मैंने आप लोगों से पूछा कि जवाहर कहाँ गए, तो आपने कहा सर हंस खा गए। मैंने कहा 1731 जवाहर हंस खा गए? बोले कसम से सर, कसम से सर, हंस जवाहर खा गए, है ना। कितने खा गए? 1731 जवाहर हंस खा गए। तो हंस जवाहर की रचनाकार कसम यानी कि कासिम शाह है, और कितने जवाहर? 1731 जवाहर। तो हंस जवाहर रचना कासिम शाह की है और 1731 इसका रचना काल है, ऐसे याद करना, ठीक है। फिर अब दोस्तों इंद्रावती है, इंद्रावती रचना सभी को पता है नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती रचना नूर मोहम्मद की और 1744 इसका रचना काल है। अब दोस्तों एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बोलता है मेरी इंद्रावती बिल्कुल नूर के समान है। कैसी है? बिल्कुल नूर के समान है। तो बोले चबा लो उसको, क्या बोले? चबा लो उसको। तो इंद्रावती नूर के समान है तो नूर मोहम्मद की रचना है, और चबा लो तो 44 यानी कि 1744 की ये रचना हो जाएगी, ठीक है, ऐसे याद रख लो। बोले चबा लो, नहीं यार मैं उससे बहुत अनुराग करता हूं, मैं 64 साल का हो गया लेकिन उससे अनुराग करता हूं। तो उनकी रचना एक अनुराग वासरी है, वो कितने की है? 1764 की। अब याद रख लेना इंद्रावती नूर के समान है, तो बोले इंद्रावती को चबा लो तो 44, ठीक है, अब चबा लो तो 44, और बोले हम उससे अनुराग करते हैं भले हम 64 साल के हो गए, तो 1764 अनुराग वासरी नूर मोहम्मद की रचना है, याद रखेंगे। दो रचना और है याद रखना है, जो यूसुफ जुलेखा, यूसुफ जुलेखा दोस्तों शेख निसार की है, और हमने ऊपर पढ़ा था कि ताई 90 साल की हो गई, है ना, और 90 साल की हो गई तो लेखा जोखा नहीं रख पाती अब, है ना, 90 साल का लेखा जोखा कौन रखेगा। तो यूसुफ जुलेखा 1790 की है, और प्रेम दर्पण ये नसीर की रचना है 1847 की, ठीक है। तो ये चीज इतनी रचनाएं थी, जहां जैसी ट्रिक निकली मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ ट्रिक ऐसी हैं जो आप कभी नहीं भूलेंगे, इनका रचना काल भी नहीं भूलेंगे, अब आपसे अभ्यास करवाएंगे तो और भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अब वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर करना है। और फर्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है, चार विकल्प हैं आपके सामने, आपको उत्तर बताना है। ऐसे ऐसे पूछा जाता है दोस्तों, तब आपका उत्तर क्या होता है, क्या होता है? मुल्ला दाऊद। क्या हो जाता है आपका उत्तर? मुल्ला दाऊद। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। अब सूफी की बात हो रही है दोस्तों, तो कोई दाऊ होगा, है ना, दाऊद आपने सुना होगा, अब्राहम दाऊद, है ना, तो दाऊ ही होगा साहब, तो दाऊद, मुल्ला दाऊद अधिकांश लोगों को पता है, ठीक है। अगला बताना, आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा, और ये रचना, ये प्रश्न पूछा भी गया है, पीजीटी एग्जाम में पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे माना है, या सूफी रचना किसे मानी है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और राम को आपने पढ़ा है दोस्तों कि राम किसके पीछे पड़ गए थे, मृगा के पीछे पड़े थे कि नहीं, सोने के मृग। तो मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्रथम रचना, और कुतुबन, कुतुबन इसकी रचनाकार हैं, क्योंकि मृग कहां पर था? वन में, यानी कि कुतुबन आपका एक नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, अष्टछाप के किस कवि ने रूपमंजरी नाम से प्रेम कथा की रचना की है? तो बताना है आपको, मैंने अभी याद करवाया था आपका कि नंद का रूप बड़ा अच्छा था, कैसा था? बड़ा अच्छा था नंद का, लेकिन नंद अड़ गई, बोले हमें रूप अच्छा चाहिए, तो 68, ठीक है, 1568 आपने याद किया था, ठीक है। तो 68 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और रूपमंजरी नाम से ये किसकी है? नंददास जी की है, ठीक है, इसको आपको याद करना है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, अगला है असाहित की हंसावली का रचना काल क्या है? असाहित की हंसावली बताना है, है ना, ये जो रूपमंजरी है 1568 की है, ठीक है, 1568 याद रख लेना रूपमंजरी का, ठीक है। असाहित की हंसावली का रचना काल क्या है? तो चार विकल्प हैं, आपने कहा था कि सर 70 साल हंस हंस के निकाल दिए, यहां जानी लीवर देखो बोल रहे हैं यार 70 साल निकाल दिए हंस हंस के, क्या है, तो कैसे निकाल दिए 70 साल? तो 1370 यानी कि आपका विकल्प नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता मुल्ला दाऊद की चंदायन का रचना काल क्या है? चंदायन, तो जल्दी से बताओ,
चांद का मुखड़ा कितने बार देखना है, कितने बार देखना है, 79 बार, 79 बार। तो चंद्रायन के रचनाकाल कौन होंगे, ये रचनाकाल क्या होगा, 1379। ठीक है, अब आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आएगा। ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा का रचनाकाल क्या है, सत्यवती कथा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ईश्वर की कथा सत्य ही होती है और ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, यानी कि उत्तर क्या होगा आपका 1501, यानी कि आपका सा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बताना कुतुबन कृत मृगावती का रचनाकाल क्या है, चार विकल्प हैं दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि कुतुबन वन आया है, तो वन में कौन था, मृग था, और मृग कितने थे, एक नहीं तीन मृग थे। तो कुतुबन कृत जो मृगावती का रचना काल होगा वो क्या होगा, 1503। ठीक है, 1503 यानी विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों, गणपति कृत माधवानल कामकंदला का रचना काल क्या है, तो जल्दी से बताएंगे। जब आप कोई काम शुरू करते हो तो श्री गणेश क्या करते हो, श्री गणेश करते हो, ठीक है, तो गणपति हो गई। अब जब काम करते हो दोस्तों तो कब से काम करते हो, घर वाले बोलते हैं यार 27 साल तक तो ठीक है, आप पढ़ाई लिखाई करो, 27 साल के बाद काम है ना, तो 1527 माधवानल कामकंदला। ठीक है, यानी कि जो आपका एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताना जायसी की जो पद्मावत है इसका रचना काल क्या है, अब यहां पर जायसी मतलब जाना है, पद्मावत यानी कि पद्म से, तो कितने किलोमीटर जाना है, कितने किलोमीटर जाना है, 40 किलोमीटर जाना है। तो आपका जो पद्मावत है ये महाकाव्य है और ये कब का होगा, 1540 का, यानी 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों मंझन की मधुमालती का रचना काल क्या है, मंझन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, और मैंने आपको कई बार याद करवाया है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं है ना कि 4-5 बाटल ली सुबह से, 4-5 बाटल ली मधु की, और उनका मधु से ही मंझन होता है। आपने देखा मधु मतलब होता है शहद होता है और शराब भी होता है। ठीक है, आपने वो हरिवंश राय बच्चन की वो पढ़ी होगी पंक्ति कि बैर कराते मंदिर मस्जिद और मेल कराती मधुशाला, है ना, आपने मधुशाला रचना भी पढ़ी है। ये मधुमालती यहां पर पूछा गया है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि 4-5 बाटल ली मधु की और सुबह से मंझन ही मधु से हो रहा है, तो कितनी, 4-5, 4 और 5, तो क्या हो जाएगा, 1545 मंझन की मधुमालती का क्या हो जाएगा, रचना काल। ठीक है, अगला देखते हैं नंददास की रूप मंजरी, अब याद तो किया था कि नंद काय के लिए अड़ गई बोले नंद, अड़ गई रूप तो मुझे चाहिए, अड़ गई तो 68, ठीक है, 1568 है ना, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपको बताना दोस्तों नारायण दास की छिताई वार्ता का रचना काल का है, यहां पर ताई बताया था मैंने, ताई कितने साल की हो गई, कितने साल की हो गई, 90 साल की ताई हो गई, तो 1590 इसका रचना काल होगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बन रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो भी साथी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। ठीक है, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सी ट्रिक आपको सबसे अच्छी लगी है। ठीक है, उस्मान की चित्रावली का रचना काल क्या है, दोस्तों मैंने याद करवाया था कि दो लोगों को कॉम्पिटिशन में रखा गया, बोले चित्र बनाओ, तो जब एक दूसरे अपने अपने चित्र को देखते हैं, एक दूसरे के चित्र को देखते हैं, तो बोले यार तेरा चित्र बहुत अच्छा बना है, तेरा चित्र, तो उस्मान की जो चित्रावली रचना है उसका रचना काल क्या होगा, 1613। ठीक है, यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है पोहकर की रसरत्न का रचना काल क्या है, पोहकर और रस कितने में आ रहा था, 16 रुपए में, और रत्न कितने में आ रहे थे, 18 में, तो 1618 रस रत्न की पोहकर 1618। ठीक है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगला बताना दोस्तों शेख नबी की ज्ञानदीप का जो रचना काल है वो क्या है, हमने याद कर लिया था कि ज्ञान हमें नया नया सीखना है, मतलब नबी है ना, और ज्ञानदीप यानी कि ज्ञान देना चाहिए, आपके पास भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे मतलब एक दो बच्चे होंगे है ना, अब बच्चा जो है आपका उसको 16 से 19 वर्ष का जब हो उसे अच्छा ज्ञान देना है।
है ना, तो 16 से 19, तो 16 से 19 ज्ञानदीप का रचना काल माना जाएगा, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगला है कासिम शाह की हंस जवाहर का रचना काल क्या है। मैंने याद करवाया था आपको कि हंस क्या खा गया, जवाहर खा गया, कितने जवाहर खा गया, कितने 1731 जवाहर हंस खा गया, है ना। तो आपका जो विकल्प नंबर है वो क्या है, सी नंबर। आप कमेंट में जरूर लिखते जाएं, अगर आपसे बन रहा है तो, आपको ट्रिक से याद हो रहा है, आपसे बन रहा है तो जरूर लिखें। और जो बीच में शामिल हुए हैं वीडियो के, वो शुरू से वीडियो जरूर देखें, ठीक है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती का रचना काल क्या है, मैंने आपको याद करवाया था दोस्तों कि एक व्यक्ति बोला कि मेरी इंद्रावती बिल्कुल नूर के समान है, नूर के समान है, तो बोले चबा लो। तो नूर इंद्रावती के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रचना काल क्या होगा, 44, यानी कि 1744। अब बोले मैं 64 साल का भले हो गया लेकिन उससे क्या करता हूँ, अनुराग करता हूँ, तो अनुराग मासरी 1764, ठीक है। तो याद रख लेना, याद कैसे भी हो याद करना है हमें, तो यहाँ पर आपका 1744 बिल्कुल होगा और इन्हीं की रचना अनुराग मासरी 1764 है, ठीक है, इसका रचना काल याद रखना है। अगला है दोस्तों शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा का रचना काल क्या है, जल्दी से बताना है, फनी ट्रिक हंस हंस के याद करना है ना। आप जितना भी पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा दोस्तों। आप रोज सुबह 9:30 वाली क्लास अटेंड करें हिंदी साहित्य वाले, अब जितना भी पढ़ोगे कभी नहीं भूल जाओगे, भूल ही नहीं सकते जिंदगी में। तो शेख निसार कृत यूसुफ जुलेखा बताना है इसका रचना काल क्या है। और लेखा से मैंने आपको याद करवाया था कि जो ताई हैं 90 साल की हैं, अब 90 साल की बुढ़िया कोई होगी वो लेखा जोखा रखेगा क्या, नहीं रखेगी, तो 1790 है ना, 90 याद रख लेना, शेख निसार की है। अगला बताना नसीर कृत प्रेम दर्पण का रचना काल क्या है, नसीर दोस्तों याद रख लेना इसका जो रचना काल हो जाएगा प्रेम दर्पण, और प्रेम हमें कैसे है, 47 नंबर से बहुत प्रेम है, क्योंकि 47 जो 47 है हमारे देश का लकी नंबर है, हमारे देश की आज़ादी मिली थी हमें कब, 1947 में, है ना, और इससे हम 47 से बहुत प्रेम करते हैं दोस्तों। 1847 में प्रेम दर्पण का रचना काल हो जाएगा नसीर कृत प्रेम दर्पण 1847, इस प्रकार से भी याद करना है। अगला है गणपति चंद्रगुप्त ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है तो किसे माना है, अब जल्दी से आपको बताना है, गणपति चंद्रगुप्त ने जो माना है वो किसे माना है दोस्तों, हंसावली को माना है, हंसावली, ठीक है। और हंसावली का रचना काल क्या है, 1370 है ना, बोले गणपति की कृपा से हंस हंस के 70 साल निकाल दिए, अब मोदी जी का राज आया है ना, तो हंसावली याद रखना। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना, सूफी काव्य की रामकुमार वर्मा ने, तो बताना है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों चंदायन, है ना, चंदायन, मुल्ला दाऊद की चंदायन आपने रचना पढ़ी होगी, और ये रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना इसे माना है, मुल्ला दाऊद की चंदायन को, ठीक है, इसको याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी काव्य की प्रथम रचना किसे माना है, जल्दी से कमेंट में लिखें, प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है दोस्तों किसे, सत्यवती कथा को। और आपने देखा होगा कि जो कथा सत्य होती है उसको एक बार नहीं हजार बार पढ़ते हैं, और हजार बार हम बोलते हैं, है ना, बोले सत्य है तो सत्य है, हम एक बार नहीं हजार बार बोल सकते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सत्यवती कथा, है ना, इन्होंने माना है सूफी काव्य धारा की प्रथम रचना, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है दोस्तों। एक जो चैलेंज प्रश्न है जो आपको बताना है कि चित्रावली किसकी रचना है, ये चैलेंज प्रश्न है आपके लिए, जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो, है ना, उनके लिए चैलेंज प्रश्न है। और सभी लोग, एक एक बंदा का कमेंट आना चाहिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी आपको बताना है, क्योंकि ऐसी आपकी सारी रचनाएं आएंगी क्रमबद्ध, चाहे वो तुलसीदास जी की हो, कोई भी रचना हो, किसी भी काल की रचना हो, ऐसे ही क्रमबद्ध आएंगी, ऐसे ही ट्रिक से आपको बताएंगे, है ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, चाहे वो कभी हो, जन्म क्रम के आधार पर, कैसे भी हो, सब क्रमबद्ध आपकी आएंगी। सिर्फ आपको टाइम देना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों तक शेयर कर देना है,
ठीक है, जब इतनी सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं, लगभग आपके हिंदी साहित्य के 4 से 5 घंटे की मेहनत मैं करता हूं, सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास के लिए, लगभग 2 से 3 घंटे इसी क्लास के लिए खत्म होते हैं, शाम को रात्रि 9 बजे वाली क्लास के लिए भी 2 घंटे खर्च होते हैं, तो आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में प्रोत्साहन दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों तक, ठीक है। तो जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। और चित्रावली किसकी रचना है ना, ये आपको चैलेंज हर जो हिंदी साहित्य का स्टूडेंट है ना, मुझे सभी का कमेंट दिखना चाहिए, जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं उनका तो दिखना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बताना है, और ये आपकी फिर से है हंसावली 1370, चंदायन 1379, सत्यवती कथा 1501, मृगावती 1503, माधवानल कामकंदला 1527, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545, है ना। ये सारी की सारी रचनाएं हैं, ठीक है। वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें दोस्तों सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक और ज्वाइन हो जाना है। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया है कौन सा, 9098609291, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, और एक एक बंदा ग्रुप से जुड़ेगा, है ना। और ग्रुप में बहुत सारी PDF और अध्ययन और सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं आपके। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करना है दोस्तों। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।